नमस्कार जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना रेलवे ने इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। दोस्तों ये नोटिस आज ही रेलवे ने जारी किया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि इस नोटिस में क्या बताया गया है और आप सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण सूचना है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरी खबर तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तथा रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके पास में ऐसा बेल आइकन आएगा, अब आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन कर देना ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट। ये दोस्तों आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऊपर ऊपर लिखा गया है आरआरबी कोलकाता। आपको दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर आना है नोटिस देखने के लिए। अब आपको यहां पर देखिए एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा, आज का यह नोटिस रिगार्डिंग यहां पर देखिए आप पढ़ सकते हैं। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। दोस्तों जैसे ये नोटिस डाउनलोड होगा उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये देखिए नोटिस है वो डाउनलोड हो चुका है और यहां पर ऊपर ऊपर लिखा गया है नोटिस रिगार्डिंग रीशेड्यूलिंग ड्यू टू यहां पर एग्जाम सेंटर्स। तो दोस्तों देखिए हम आपको पढ़कर बताते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ पूजा हॉलीडेज टू एग्जाम सेंटर एट कोलकाता एंड वन एग्जाम सेंटर एट हुगली विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 23 अक्टूबर 2018 एंड वन एग्जाम सेंटर एट बंकुड़ा विल रिमेन क्लोज्ड ऑन 23-10-2018 सम कैंडिडेट्स हु वर ऑलरेडी शेड्यूल्ड फॉर एग्जाम इन दोज सेंटर्स एंड द अबोव यहां बताया गया इन तारीखों का। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहां पर 23 तारीख की जो यहां पर देखिए बताया गया है कोलकाता में दो एग्जाम सेंटर है और साथ ही साथ एक एग्जाम सेंटर है हुगली में और यहां पर एक दिया गया है एक एग्जाम सेंटर है बंकुड़ा में। इनमें 23 तारीख को होने वाली एग्जाम्स हैं वो यहां पर रीशेड्यूल कर दी गई हैं और यहां पर इसे बताया गया है कि जो बंकुड़ा में तो 23 से 26 तक की एग्जाम और रीशेड्यूल कर दी गई है। तो दोस्तों अब आगे आपकी एग्जाम कब होगी उसकी जानकारी आपको रेलवे एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल करके आपको देगा, इसलिए आप रेगुलर अपने एसएमएस जो आपने मोबाइल नंबर दिया था वो चेक करते रहे और जो अपनी ईमेल आईडी है वो चेक करते रहे। आपकी एग्जाम 26 अक्टूबर के बाद में होगी ये बात भी इस नोटिस में बताई गई है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम इन तारीख को इन सेंटर्स में होनी थी तो अब आपको और वेट करना होगा या हम ये कहें कि आपको तैयारी के लिए और टाइम मिल गया है। यहां पर दुर्गा पूजा की वजह से, दुर्गा पूजा की जो छुट्टियां होती हैं उनकी वजह से आपके एग्जाम वो आगे रीशेड्यूल्ड कर दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर तो जरूर करना ताकि सभी विद्यार्थियों को खबर मिल सके कि अब उनकी एग्जाम आगे होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।